हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, क्या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? क्या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? कितना बैंक अकाउंट हम लोगों को रखना चाहिए? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले बात करते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट के जो एडवांटेजेस है उसके बारे में। नंबर वन, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी को पे करने के लिए, दुकान में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, या फिर हम लोग क्रेडिट कार्ड के यूजेस को ट्रैक करने के लिए एक बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट कार्ड के जो स्पेंडिंग है उसको रखते हैं और बाद में जाके उसका बिल पे कर देते हैं। और हम लोग फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र करते हैं, फ्रेंड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हम लोगों का होता है। तो एक बैंक अकाउंट से अगर हम इतना ट्रांजैक्शन करेंगे तो सारे को ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ दिन के बाद। तो अगर आप सारे ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए। नंबर टू, आप एक बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। मतलब अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट होगा और आपको इमरजेंसी में किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है और आपने देखा कि आपके बैंक का सर्वर डाउन है तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होगा तो आप किसी बैंक से वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी भी कैश का ज़रूरत हो और आपने आपके बैंक विजिट किया और आपको वहाँ से पैसा नहीं मिला, तो अगर आपके पास दूसरे किसी बैंक का बैंक अकाउंट होगा तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता था, तो ऐसा हो सकता है। तो इससे आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने से फ़ायदा हो सकता है। नंबर थ्री, हाई एटीएम यूजेस। अगर आपके एटीएम यूजेस हाई है तो आपके लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट रखना फ़ायदेमंद हो सकता है। हम सबको पता है कि बैंक अकाउंट पर एक लिमिट होता है एटीएम ट्रांजैक्शन का, हर महीने 5 या फिर 10 फ्री होता है, उसके बाद चार्जेस लगते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होगा तो आपके जो एटीएम ट्रांजैक्शन का लिमिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नंबर फोर, डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस कवरेज। हम सबको पता है कि हर बैंक अकाउंट में हम लोगों को बैंक डिपॉजिट पे डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। ये 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज जो है वो पर बैंक पर पर्सन होता है। मतलब एक बैंक में अगर आपके 2-3 अकाउंट होगा तो पर अकाउंट आपको नहीं मिलेगा, पर बैंक। मतलब एचडीएफसी बैंक में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, आईसीआईसीआई बैंक में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसे सारे बैंक में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। तो अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट होगा तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, पर अगर आपके पास 3-4 बैंक अकाउंट होगा तो आपको सारे बैंक में 5 लाख करके इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। तो मल्टीपल बैंक अकाउंट होने से आपके पास जो इंश्योरेंस कवरेज होगा डीआईसीजीसी के तरफ से उसका कवर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप बात करते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने के जो डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में। नंबर वन, मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस। हम सबको पता है कि सारे बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस हम लोगों को मेंटेन करना होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होगा तो सारे बैंक अकाउंट में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो लिक्विड कैश है वो ब्लॉक हो जाएगा। आप उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, ज़्यादा रिटर्न आपको वहाँ से मिल सकता था। बैंक अकाउंट में अगर ज़्यादा मेंटेन आप करेंगे तो उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा। नंबर टू, आईटीआर फाइलिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आईटीआर जब आप फाइल करते हो तब आपको आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है सारे बैंक अकाउंट का डिटेल्स वहाँ पे देना होता है। सारे बैंक अकाउंट में आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला है सब वहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा अकाउंट होगा तो सारे बैंक अकाउंट का डिटेल्स वहाँ पे आपको एंटर करना होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। तो यही दो रीज़न था मेरे ख्याल से, दो मेन रीज़न है, मतलब डिसएडवांटेजेस है मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने का। मेरे ख्याल से बाकी तो कोई और डिसएडवांटेजेस नहीं है, एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, पर आपको आपके यूजर्स के हिसाब से ना अकाउंट ओपन करना चाहिए। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते बैंक अकाउंट तो 2-3 बैंक अकाउंट आपके लिए इनफ होगा, पर अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, आपके ट्रांजैक्शन आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना बैंक अकाउंट रखना चाहिए। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।